हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें, और आप हैं ज्योति के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और मैं दो दिन से मतलब व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। कभी कभी मन आपका दुखी हो जाता है, तो किसी का कॉल आ गया था, तो उसकी वजह से मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था। तो आज कौन सा डे, आज है मंडे, और जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने जो रखी थी, निकाली थी मतलब, तो वो आप लोगों ने देख ली होगी। अभी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और आज बच्चे स्कूल गए हैं और उनका आने का टाइम भी हो रहा है। जन्माष्टमी तो अच्छे से चली गई, लेकिन इस समय थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस वजह से मेरा ब्लॉगिंग में मन नहीं लग रहा है। और घर में कभी कभी ऐसे अप डाउन्स आते हैं लाइफ में कि दिमाग एक ही चीज़ में कॉन्स्टेंटली बिल्कुल एक ही चीज़ सोचता रहता है, और जो चीज़ें आपकी बहुत फेवरेट होती है, बहुत आप मन से करते हो, वो भी करने का दिल नहीं करता। तो कुछ ऐसे ही हैं, वो मैं आके आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बच्चों को लेके आती हूँ, ठीक है? तब तक टेक अ ब्रेक। तो बच्चे आ गए हैं, और बच्चों का कहना था कि मम्मा मुझे ब्रेड रोल खाना है, तो आलू भी मैश करा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। सब्जी पराठा सुबह खा चुके हैं तो उनका मन नहीं है, और चाय भी बन रही है, तो अब मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ इन लोगों के लिए, डाल दिए। अब मैं इनको सेक लेती हूँ अच्छे से। ब्रेड रोल बना लिए हैं और चटपटे से टेस्टी से खा भी लिए। एक लास्ट खा रही हूँ, मतलब लास्ट क्या, दो खाए, एक तब से पहले खाया। और यशु देख रहे हैं शिनचैन, और यशु की यही जगह है बैठने की, टीवी भी देखते हैं। सॉरी डकार आ गई, तो टीवी भी यहीं बैठ के देखते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं अपना। फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया है, और मैंने बनाया है ये चिकन करी, आप लोग देख रहे होंगे। और खाना मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज जो है ना बाहर कुछ हंगामा हो गया, उसमें मैं लगी रही, और फिर खाना बनाने में बहुत लेट हो गया, बच्चों को भूख लगी थी, तो फिर मैंने खाना बना लिया। और अब मैं खाना बना के इन लोगों को देने जा रही हूँ। तो ये बनाया मैंने आलू परवल की भुजिया अपने लिए, और रोटी और राइस। तो खाना बिल्कुल अभी अभी बन के रेडी हुआ है, तो अब मैं बच्चों को खाना देने जा रही हूँ। हे गाइस, आज है दूसरा दिन और टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, और मैं बना रही हूँ, एक मिनट, मैं बना रही हूँ काली वाली दाल, और इसको मैंने तड़का वड़का लगा दिया। मैं थोड़ा मसाले में इसे भून रही हूँ, और अब मैं इसको पानी डाल के, ये देसी वाली है, पता है आपको, दिखाऊँ मैं, ये जो है, और ये नेपाली दाल है, ये ममता की मम्मी नेपाल से लाई थी तो मुझे भी दी थी थोड़ी सी। ये देखिए, ये एकदम छोटी छोटी वाली, एकदम छोटी सी है, कैमरे में शायद ना समझ में आ रहा हो, तो इसको धीमी धीमी आंच में कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा पकाना पड़ेगा, वरना पकती नहीं है। तो इसीलिए मैंने बच्चों के आने से पहले ही मैंने चढ़ा दिया है, और मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं ढक्कन लगा दूँ और स्लो कर दूँ फ्लेम को, फिर मैं चलती हूँ, थोड़ा सा पानी और डाल दूँ, क्योंकि धीमे धीमे पकना है ना, तो पानी ज़्यादा होना चाहिए। चलो, तो अब आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने, कल से आ नहीं पाई, और अभी भी पता है क्या हुआ, दाल बनाने के बाद देखो, दाल की थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रही होगी विसिल की आवाज़, तो दाल को मैंने बिल्कुल स्लो में पकाना है, और 15-20 मिनट हो गए, इतने में मैं जाके यशु को ले आई। मैंने आपसे कहा था 12:30 बजे, ओ 12:30 नहीं, 1:15 बज गया था, घड़ी देखी नहीं मैं, और ममता की मम्मी मतलब एक दूसरे के साथ लगे हुए थे तो देखा नहीं, तो फिर मैं यशु को लेने चली गई, जैसे अंदर आई घड़ी देखी मैंने, कहा अरे तो अभी बज रहा है
1:45 तो दाल पक रही है और चावल मुझे बनाने हैं। और मैं कल क्या हो गया था, मैं बोल रही थी कि खाना बनाने में लेट हो गया है, तो कुछ ऐसा हुआ था कि हम अंदर लेटे हुए थे और न्यूज़ देख रहे थे और बाहर से शिवू यशु फालतू में ऐसा है, तो बाहर से शिवू आए अपना क्लास लेके इंग्लिश वाली, तो कहने लगे मम्मा आप अंदर बैठी हो, बाहर देखो कितना हंगामा हो रहा है और एक बच्चा चोर पकड़ा गया है। अरे हमने कहा है देखा, तो गली की एंड में ही हमारी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो एक लड़का था वो किसी बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो लोगों ने पकड़ देख लिया और जो है उसे पकड़ लिया, फिर पुलिस वुलिस को दे दिया है शायद। तो फिर मुझे इतनी टेंशन हो गई, फिर यही सब बातें बातें करने में टाइम हो गया और फिर देखा तो खाना बच्चे कहने लगे मम्मा भूख लगी है, तो फिर मैंने शूट नहीं किया था और फिर दिखाया था आपको कि मैंने कल क्या बनाया था। और फिर उसके बाद आज सुबह मेरी कज़िन का फ़ोन आया लखनऊ से पूजा का, तो वो कहने लगी कि दीदी ना बता उसके घर के सामने एक फैमिली है, तो कहने लगी कोमल का भाई कल 4 बजे से लापता, मेरा और दिमाग ख़राब हो गया कि ये हो क्या रहा है बच्चों के साथ। और वो 10-11 साल का है, ट्यूशन पढ़ने गया था कल और 4 बजे से उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है और इतना फैमिली का बुरा हाल है। और उसी टाइम पे टीवी में भी दिखा दिया कि बच्चा चोरी, ये सब दुनियादारी की न्यूज़ आ गई, तो इसी में जो है मेरा माइंड इतना अटका हुआ था कि मतलब आप देखो हमारे भी बच्चे हैं, सभी के पास बच्चे होते हैं और जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको तो आप कहाँ तक रखोगे, स्कूल तो भेजना ही है, ट्यूशन क्लासेस ये सब तो करानी ही है। तो उसके लिए खैर मैंने मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरू से जो किया है वो अब लगता है कि ठीक ही किया है। मैंने कभी अपने बच्चों को गेट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, मेरा दोनों ही बेटे घर से बाहर हमारे कोई बच्चे नहीं खेलते, घर के अंदर खेलो जो चाहिए वो मिलेगा बट बाहर नहीं जाना है। मेरे घर में आने वाले लोग अरे नहीं थोड़ी देर बाहर निकाला करो, थोड़ी देर बाहर निकाला करो, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं नहीं बाहर जाती हूँ, मुझे बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बाहर बैठना, बाहर फालतू में ऐसे ही बैठे रहो, किसी से क्या बातें करो, तो मुझे मतलब ये लगता है कि जो है वो बाहर खेलने तो फिर मैं बैठूं जाके, तो ना मैं ही जाती हूँ बैठने ना वो ही जाते हैं। तो शुरू से कभी भी बच्चे मेरा गेट कभी भी खुला नहीं रहता, जब कोई आता जाता है बस तुरंत कोई जाता है उसको छोड़ के तुरंत गेट लग जाता है और बच्चे भी बाहर नहीं जाते। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मतलब जस्टिफाई करती हूँ कि अगर आपको बच्चों को बाहर ले जाना है तो खुद से ले जाएं, पार्क ले जाना या बाहर अपने घर के बाहर खिलवाना है, बच्चों को आज के टाइम पे बिल्कुल भी अकेला छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो थोड़ा 13-14 साल का ही बच्चा क्यों ना हो जाए, क्योंकि आजकल लोग ना हिप्नोटाइज करके और कुछ खिला के कुछ सुहा के बच्चे, तो मतलब हर बच्चा बहुत स्मार्ट नहीं होता है, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं जो एक ऐसी कोई अगर टाइम आता है तो बहुत ही क्विक उनका दिमाग चलता है और एक स्मार्ट सा वो डिसीज़न ले लेते हैं, चीख पुकार कर लेते हैं या अपने आप को छुड़ा के भागते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ऐसे भी मैंने 2-4 केसेस सुने और देखे हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं, बच्चे इनोसेंट भी होते हैं बहुत बहुत सारे और बड़ों से डरते भी हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, अगर कोई अंकल आंटी टाइप का है और वो कुछ कह रहा है तो वो मान जाते हैं। तो ऐसे में देखिए अपने हाथ में ही अपनी सुरक्षा है और मैं आज इस व्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की अच्छे से जो है देखभाल करें, बिल्कुल भी उनकी सिक्योरिटी को लेके बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मेरा शिवू इतना बड़ा हो गया है 14 साल का, लेकिन उसको बस तक छोड़ना और बस से ले आता है तो खैर सब बच्चों के साथ आता है, एक दो पेरेंट्स जो थोड़े और दूर अंदर जाके रहते हैं तो वो पेरेंट्स लेने जाते हैं तो उनके साथ चला आता है, अदरवाइज मैं लेने भी जाती थी लेकिन वो फिर गुस्सा करने लगा कि नहीं मम्मी आप क्यों आते हो लेने और हम चले आएंगे, तो छोड़ने सुबह के टाइम तो बस तक चले जाते हैं लेकिन आने के समय वो बच्चों के साथ आ जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर कोई नहीं बड़ा हो तो मैं पूछूंगी आज शिवू से कि अगर कोई नहीं आता है तो मैं आऊंगी लेने, और
मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। और भगवान बस जिनके बच्चे खोए हैं, मतलब वो जो फैमिली का बच्चा खोया है वो मिल जाए, सही सलामत मिल जाए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है। और बच्चे तो जान होते हैं, देखिए अब उस समय, इस समय उस फैमिली की क्या हालत होगी आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। तो इसी में मेरा दिमाग लगा हुआ था और ये सब चीज़ें सुन सुन के बड़ा डर लगता है। मेरे घर वो भी कहने लगी, मेरी कज़िन भी कहने लगी कि दीदी प्लीज़ अगर ये लोग ट्यूशन वगैरह बाहर जाते, वैसे तो बच्चे घर ही में पढ़ते, सिर्फ शिबू जाता है इंग्लिश क्लासेस के लिए, तो वो कहने लगी कि आप प्लीज़ उसको बिल्कुल अकेले ना जाने दिया करो। तो मैंने कहा वैसे तो तुम जानती हो कि मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं बिल्कुल, मेरे घर में आने वाले हर कोई कहता है, मेरी सास माँ ने थोड़ी देर, तुम तो बिल्कुल जाने नहीं देती हो, तुम तो बिल्कुल गेट से पाँव बाहर नहीं रखने देती हो। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि ऐसा तो नहीं कि बाहर भी खेलना कूदना ज़रूरी होता है बच्चों का, नहीं नहीं स्कूल में खेल लेते हैं उतना काफ़ी है मेरे लिए। और मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे घर में हम तीन ही सुबह से शाम तक, रात तक एक्चुअली अकेले रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी इस मामले में नहीं। जब ये लोग छोटे छोटे थे तो मैं गेट में लॉक लगा के रखती थी, हर वक्त गेट में लॉक लगा रहता था, क्योंकि तब मुझे थोड़ा सा नई जगह थी, थोड़ा डर लगता था। अब थोड़ा सा ये है कि आस पड़ोस भी काफ़ी बाहर मारा रहने वाला है, सिर्फ मुझे ही छोड़ के कि मैं बाहर नहीं रहती, बल्कि अब मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो बाहर आते जाते रहते, बैठते हैं बाहर, तो मैं नहीं जाने देती हूँ। और अच्छा है कि बच्चों को बाहर खेलने की आदत मैंने नहीं लगाई, वरना फिर वो परेशान करते। तो प्लीज़ अपने बच्चों का खूब ख्याल रखिए, और आजकल बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है माहौल, तो ध्यान दीजिएगा। और खाना मेरा बन चुका, अब मैं दाल बंद करने जा रही हूँ, चावल बनाने जा रही हूँ। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़े ब्लॉग बनाने का। और एक बात और भी कहनी थी, मैं धीमे धीमे निराशा की ओर जा रही हूँ कि सच में यार मेरी जो आसपास, मतलब आसपास क्या, मेरे जो को यूट्यूबर हैं और जो मेरे साथ जिन्होंने चैनल शुरू किया, और वो लोग भी निराश हैं कि चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। लोग क्या देखना चाहते हैं, झगड़े देखना चाहते हैं सास बहू वाले या पति पत्नी वाले, या एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे पे वीडियो बनाना देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं आई डोंट नो। और हमारी क्या कमी रह रही है, कोई ऐसा कमेंट भी नहीं आता है कि हाँ आप दीदी ये करो, दीदी वो करो। सब लोग बहुत ही प्रेस करते हैं कि आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, फिर भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ देखा करें जिससे व्यूज़ बढ़ें और ग्रो करें। पैसे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर चीज़ आप कर रहे हो मेहनत के साथ और अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तब बड़ी दुख लगती है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये ब्लॉग ही एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, और खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय।